Hey guys, this is Rohit Khatri and I'm back with another video. अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें, बिल्कुल फ्री है। नीचे जाए, लाल कलर का बटन है, सब्सक्राइब लिखा हुआ है, उस पर क्लिक करें, आप मेरे साथ कनेक्ट हो जाओगे। उसका फ़ायदा ये होगा, जब भी मैं अपनी फ्यूचर में नेक्स्ट वीडियोज़ अपलोड करूँगा तो आपको अपने आप अपने मोबाइल में, आपके कंप्यूटर में, आपके लैपटॉप में ऑटोमेटिकली नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो मेरे पास एक क्वेश्चन आ रहा था, बहुत ज़्यादा मुझे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा था कि हम अपना वेट कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। यहाँ मैं मसल की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ मैं ओनली वेट इंक्रीज की बात कर रहा हूँ कि एक पतला सा लड़का, एक स्किनी गाय थोड़ा चौड़ा कैसे दिख सकता है, अपनी बॉडी में वेट कैसे इंक्रीज कर सकता है। तो कुछ लोग ये बोलते हैं कि मैं तो खाता भी हूँ फिर भी मेरा वेट इंक्रीज नहीं होता, मैं तो बहुत ज़्यादा खाता हूँ मेरा वेट जब भी इंक्रीज नहीं होता। बट क्वेश्चन ये आता है कि क्या आप सही तरीके से खा रहे हो, क्या आप वो खा रहे हो जिससे आपका वेट इंक्रीज होने में हेल्प होगी, क्या आप टाइम टू टाइम अपनी बॉडी को अच्छी तरह से वो न्यूट्रिशन दे रहे हो जो आपका वेट इंक्रीज कर देगा। तो कुछ लोग एक मील में बहुत ज़्यादा खा लेते हैं, उन्होंने सुबह बहुत ज़्यादा खा लिया या दिन में बहुत ज़्यादा खा लिया या रात में बहुत ज़्यादा खा लिया, और वो सोचेंगे कि मैं तो तीनों टाइम बहुत ज़्यादा खा रहा हूँ फिर भी मेरा वेट इंक्रीज नहीं हो रहा। तो अगर आप दो या तीन बार खाना खाते हैं तो आपको कम से कम वेट इंक्रीज करने के लिए 4 से 5 बार खाना खाना बहुत ज़रूरी है। और उस खाने में हर हर अपनी मील में आपको वो चीज़ें रखनी है जो आपका वेट इंक्रीज करेगी। तो वेट इंक्रीज करने के लिए आपको सबसे ज़रूरी चीज़ पड़ेगी, वो है कैलोरीज। अगर आप उतनी कैलोरीज ले रहे हो जो आपका वेट करने गेन करने में हेल्प करे तो गारंटी है कि आपका वेट इजीली इंक्रीज हो जाएगा। कुछ लोगों का वेट किस लिए इंक्रीज नहीं होता है, एग्जांपल ले लेते हैं, हम पूरे दिन में 1500 कैलोरीज ले रहे हैं फूड से और हम 1500 ही बर्न कर देते हैं पूरी डे टू डे एक्टिविटी में, चलने में, फिरने में, एक्सरसाइज में, तो आपका वेट इंक्रीज कैसे होगा। आपको उतनी कैलोरीज कंज्यूम करना बहुत ज़रूरी है कि आपकी बर्न होने के बाद भी आपका वेट गेन करने के लिए आपकी बॉडी में कैलोरीज बचे। और वेट गेन करने के लिए कैलोरीज हमें कहाँ से प्रोवाइड होती है, वो है हमारा कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। ये दो सोर्स है जिनसे हमें एक अच्छी कैलोरीज प्रोवाइड होती है जो हमारा अच्छा वेट गेन करने में हेल्प करेगी। वेट गेन करने में बता रहा हूँ, मैं फैट लॉस में नहीं बता रहा। तो वेट गेन करने के लिए आपके पास सबसे अच्छा ऑप्शन है कि आप ब्राउन राइस कंज्यूम कर सकते हो। व्हाइट राइस किस लिए कंज्यूम नहीं करने, क्योंकि व्हाइट राइस में फाइबर नहीं होते, व्हाइट राइस हमारा फैट बढ़ाता है, तो आपको फैट नहीं बढ़ाना है। फैट बढ़ा के होगा क्या, बीमारी होगी, होगा क्या, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। आपको अपना वेट इंक्रीज करना है तो आप ब्राउन राइस कंज्यूम करें। ब्राउन राइस में फाइबर होते हैं, प्रोटीन होता है, आपका कार्बोहाइड्रेट भरा पड़ा रहता है, आपका फैट इंक्रीज नहीं करता है, आपका वेट इंक्रीज करता है। तो ब्राउन राइस आप लोगों के लिए जो वेट इंक्रीज करना चाहते हैं उनके लिए एक जादू की तरह है, आप कंज्यूम करें, रिजल्ट आपके आगे होंगे। और दूसरी चीज जो आपको कंज्यूम करनी है वो है आलू। आलू आपका वेट इंक्रीज करने में बहुत 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 हेल्पफुल है। जो लोग डे टू डे आलू कंज्यूम करते हैं, मैं उबले हुए आलू की बात कर रहा हूँ, मैं सब्जी की बात नहीं कर रहा हूँ। सब्जी एक पेट भरने के लिए होती है, वो वेस्ट है। जो इंडियन में हमारे घर में आपके घर में बन रही है वो वेस्ट है। वो कितने डिग्री पे पक रही है, उसमें कौन सा ऑयल यूज़ किया है, वो बस खाने के लिए है, पेट भरने के लिए है, उसमें कोई न्यूट्रिशन नहीं है। आप उबला हुआ आलू यूज़ करें जिसमें बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट होता ही होता है, हर के घर में मिलता है। तो दूसरी चीज़ है, आपको दो या तीन, एक या दो बार पूरे दिन में उबला हुआ आलू यूज़ करना है, कंज्यूम करना है, खाना है। आप दही में मिला के ले सकते हैं। और तीसरी चीज़ है, आपको एक मॉर्निंग में अच्छा ब्रेकफास्ट करना बहुत ज़रूरी है। आप उसमें ओट्स ले सकते हैं जिसमें आपका फाइबर होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, ईजिली डाइजेस्ट हो जाता है। ओट्स को, दलिये को दूध में मिला के ले सकते हैं और उसमें 2 केले मिला सकते हैं। केले में पोटेशियम होता है, कार्बोहाइड्रेट भरा पड़ा रहता है जो आपका वेट इंक्रीज करने में बहुत 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 हेल्प करता है। और आप बचपन से सुनते आए होंगे कि दूध केला खाने से वेट बढ़ता है, बट आप उस दूध केले को एक अच्छी तरह से यूज़ करें। आप अगर उसमें ओट्स मिलाएंगे, दूध मिलाएंगे, केला मिलाएंगे, एक आपका हेल्दी ब्रेकफास्ट बन जाएगा।
और आपका जो डाइजेशन सिस्टम है, इम्यून सिस्टम है, वो भी अच्छा हो जाएगा। तो ये तीन कार्बोहाइड्रेट सोर्स है जो आपका वेट इंक्रीज करने में आपकी बहुत हेल्प करेंगे। अब बात करते हैं आप प्रोटीन कहाँ से कंज्यूम कर सकते हो और प्रोटीन कंज्यूम करना क्यों ज़रूरी है। प्रोटीन हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है ताकि हमारा जो इम्यून सिस्टम है, हमारा जो हेल्दी है पूरा इम्यून सिस्टम, वो अच्छे से वर्क करता रहे। जो लोग एक्सरसाइज नहीं करते, जिम नहीं जाते, वो नॉर्मल प्रोटीन ले सकते हैं, उन्हें ज़्यादा प्रोटीन लेने की ज़रूरत है ही नहीं। और जो लोग जिम जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो आप खुद ही सोचो उनको प्रोटीन ज़्यादा लेना क्यों पड़ेगा। अगर आपकी बॉडी, आप उससे कुछ डेली एक्सरसाइज करा रहे हो, कुछ अलग करा रहे हो, उससे कुछ काम करा रहे हो, तो उस काम के लिए आपको उसको कुछ देना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा प्रोटीन यूज़ करना पड़ेगा। और प्रोटीन के सोर्स हमारे लिए वेट गेन के लिए सबसे बेस्ट है वो है एग्स। एग्स में 8 एसेंशियल एमिनो एसिड्स, 6 ग्राम ऑफ प्रोटीन पर एग। एक अंडे में 8 एसेंशियल एमिनो एसिड्स होते हैं और 6 ग्राम प्रोटीन होता है एक अंडे में। तो आप पूरे दिन में 7 से 8 कंज्यूम कर सकते हैं। जो 7 से 8 अपने अंडे हैं वो कंज्यूम कर सकते हैं अगर आपको वेट इंक्रीज करना है तो। और दूसरा ऑप्शन है हमारे लिए, जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं, जो कि बहुत सारे हैं, उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है कि आप पनीर यूज़ कर सकते हैं, आप राजमा और ब्राउन राइस को मिक्स करके कंज्यूम कर सकते हैं, और आप सोया मिल्क यूज़ कर सकते हैं, दालें यूज़ कर सकते हैं, उबली हुई दाल। तो ये ऑप्शन है वेजिटेरियन पीपल के लिए। तीसरा ऑप्शन है कि आप चिकन ब्रेस्ट का यूज़ कर सकते हो, चिकन लेग्स का यूज़ कर सकते हो, और फिश का यूज़ कर सकते हो। तो ये जो सारे नॉन वेज है वो आपका वेट इंक्रीज करने में आपकी बहुत हेल्प करेंगे। फिश में ओमेगा 3 होता है, हेल्दी फैटी एसिड होते हैं, लॉट्स ऑफ प्रोटीन। चिकन ब्रेस्ट में प्रोटीन होता है, चिकन लेग में आपका फैट और प्रोटीन होता है, हेल्दी फैट। तो आपके पास ये प्रोटीन के बहुत सारे ऑप्शन जो आपको मिल जाते हैं वेट इंक्रीज करने में। तो आप डिसाइड करें आपको क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो। नीचे लाल कलर का बटन है, सब्सक्राइब लिखा हुआ है, बिल्कुल फ्री है, 1 सेकंड लगने है, सब्सक्राइब कर दो। अगर आपको वीडियो अच्छी ना लगी तो सब्सक्राइब करने का मतलब ही नहीं बनता। तो जैसी भी वीडियो लगी आपको कमेंट में ज़रूर बताना है, अपने सजेशन बताने हैं कमेंट में, अपनी क्वेरी बतानी है इस वीडियो से रिलेटेड। तो जो भी आपके मन में इस वीडियो को देख के, जो भी आपके मन में ख्याल आया है, जो भी आपके थॉट्स आए हैं, सजेशन आए, क्वेरी आई है, तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं।